अनीशा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, हमने ना नमक का जैतून मंगाया था मेरी मम्मी के लिए। क्या दिक्कत थी उनको? उनको पेट की प्रॉब्लम थी, मतलब लैट्रिन नहीं आती, पेट की समस्याएं काफी थी। और एक उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और उनको शुगर भी है। और वो नमक जैतून भी उन्होंने लिया, और अभी पहले आप मंगवाया था रस था जैतून, शायद क्या बोलते उसको, ठीक है, एक वो, और सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनका ना मुंह पक जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जल्दी। अच्छा, पेट ठीक हो गया उनका बच्चा? पेट भी अभी इतना ठीक नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम, पेट में भी लैट्रिन नहीं आती प्रॉपर, बीपी ठीक है ठीक बहुत बढ़ता है उनका, शुगर भी ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक और है। एक सवाल मेरे पापा के लिए है। पापा का जो है वो भी ले रही हैं, एक गूंद था, गूंद सिया, ठीक है, वो ले रहे हैं, और कुछ उसमें जड़ी बूटियां हमें आकर भेजी थी यहाँ से आपने, वो भी ले रहे हैं। और उनका ना ब्लड कम है, बीपी मतलब एचबी, सॉरी अच्छा, एचबी कम है, खून खून की कमी है, दर्द में और फायदा हुआ कमजोरी, उनको? दर्द में हाँ थोड़ा फायदा है, दर्द में फायदा तो है, लेकिन खून में बहुत कमी है, ठीक है ठीक है कमजोरी बहुत अभी भी। जी। ठीक है। बच्चा बहुत अच्छी बच्ची है, अपने मम्मी पापा का ही सवाल किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। ऐसे बच्चे बहुत भगवान को प्यारे होते हैं, लेकिन कर लेते अपने लिए भी कोई सवाल, तो कोई बात नहीं थी। और जो देखिए, मम्मी का पेट जब तक ठीक ना हो, जब तक मुँह के छाले ठीक होना मुमकिन नहीं है। और जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो मुंह में भी हो जाते हैं, ये इंतहा है। तो वो पूरा फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा शुरू हो गया उनको। और एक चम्मच दिन में एक बार या दो बार, एक आता है बच्चा अरंडी का तेल, ये मेडिकल स्टोर पर मिलता है, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अरंडी का तेल या कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, आप समझ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो एक चम्मच उन्हें पिलाया करें। और ये पिला के गरम गरम पानी या गरम गरम चाय पिला दें, दिन में एक बार या दो बार, पहले एक बार से शुरू करें, तो फिर मम्मी का पेट अच्छा पूरी तरह हो जाएगा। और ये नुस्खे जारी रखें और शुगर भी कंट्रोल करें। पेट ठीक ना होने से भी शुगर में इजाफा रहता है, जिस दिन पेट से सही होता है उस दिन शुगर बहुत कंट्रोल मिलती है, ये मेरा तजर्बा है, मेरा अनुभव है। पापा के खून के लिए नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और अलसी और धनिया 100-100 ग्राम लेके हल्का सा भून के पाउडर बना लें, इसका एक चम्मच खिलाएं, और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के ये उन्हें पिला दिया करें दिन भर में बस एक बार। तो इससे उनका खून बनना शुरू होना चाहिए, लीवर का की जिम्मेदारी फिर वो पूरी करने लगेगा अपनी, इससे दूसरे भी बहुत फ़ायदे होंगे उनको। और ये आपके डैडी के लिए नुस्खा बहुत बेहतर है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ जम्मू से, जसपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद साहब, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे 3-4 सवाल हैं। एक तो मेरे लिए, मैंने गोलसिया खाया था, मेरे को बहुत ज्यादा आराम है, जी। तो दूसरी बार भी मैंने मंगवाया, क्या मैं वो खा सकता हूँ? तो दूसरा सवाल है सर। हेलो। जी, जसपाल जी, हम सुन रहे हैं। हाँ सर, दूसरा सवाल है मेरी 22 की बहन के बारे में है। जी उसको उसने पित्त की पत्थरी निकाली थी, तो सर उसको रोटी हजम नहीं होती, गैस मतलब डकार आते रहते हैं, तो सिर दर्द होती रहती है, तो उसकी सेज सेज नहीं बनती, मतलब ठीक है कमजोर ठीक हो गई है। तो तीसरा सवाल मेरी माँ के लिए सर, उनमें उनकी पेट में थोड़ा ठीक नहीं रहते, मतलब जैतून का नमक मंगवाया था मैंने, तो क्या उनके लिए कोई नुस्खा? तो चौथा है मेरी लड़की के लिए सर, वो मादू नारकेर खा रही है, तो उसको दाने दाने से होते हैं, गैस बनती है मतलब, तो वो भी जैतून का नमक, उसने दवाई बहुत खाई है, जैतून का नमक ले सकती है वो भी क्या? बहुत अच्छे सवाल किए हैं आपने।
जसपाल जी, पहले तो आपको मुबारक कि आपको भगवान ने फ़ायदा दिया, और ये फ़ायदा अपने तक मत रखना, तमाम जहाँ तक आप को लोग जानते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। लोग बहुत दुखी हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता, आप उन तक ही बात पहुँचाएँ कि एक कैसा भी रॉ मटेरियल है जिससे फ़ायदा होता है। ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और सवाल बताइए, इन्होंने गौंसिया का इस्तेमाल किया था, आराम मिला है, दोबारा करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, गौंसिया अपनी ज़रूरत में आप और भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। पत्नी की जो बहन है उनका पित्त निकाल दिया गया, खाना हजम नहीं होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। जब घर में खाना बने तो आज मेरे तरीके से घर में खाना बनवाएं, उनके घर में देखिए जो भी खाना बनाती है ना महिलाएं, उसमें अदरक इतनी सी डालती है, इतना सा लहसुन और इतना सा ही ज़ीरा और धनिया भी ज़रा सा, इतनी अदरक और इतना ही लहसुन, देखिए कितना मैं बता रहा हूँ, और ज़ीरा भी खूब सारा और धनिया भी खूब सारा, बस ये मसाले बढ़ा लें। जो शख्स ये मसाले इस कदर यूज़ करे तो ये मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मसाले और ये खाना सब्जी सालन पित्ते का काम करने लगता है। आप ही कभी इस्तेमाल करके देखें, और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नमक जैतून उन्हें दे सकते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून के इसका पाउडर बना लें, एक चम्मच अलसी धनिया का पाउडर खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला के दिन भर में एक बार या दो बार पिला दिया करें, बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। जी, अपनी मम्मी के लिए सवाल था, उनका पेट ठीक नहीं रहता। हाँ, नमक जैतून ले सकते हैं वो, और वो छह चीज़ों के साथ लें, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, छह चीज़ों का पाउडर घर में। अब जब से मुझसे जुड़े हैं लोग तो वो अपने घर में ये पाउडर बना के रखते हैं, छह चीज़ों का, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सबको पाउडर बना के रखें, इसका एक चम्मच भर के खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिलाकर खा लिया करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, 10-12 फ़ायदे होते हैं, एसिडिटी, कब्ज़, गैस, बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, मुहासे, इन सब में फ़ायदा होता है। किसी को अगर इत्तफाकन इससे कम फ़ायदा लगे तो एक चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल पीकर गर्म पानी या चाय पी लिया करें, मज़ीद फ़ायदा भी मुमकिन है। जी, आखिरी सवाल था अपनी बच्ची को लेके, बच्ची माजून आर केयर का इस्तेमाल कर रही हैं और काले दाने बनते हैं, तो क्या वो जैतून के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, बस एक चुटकी दो गिलास पानी में या एक बोतल में डाल लिया करें पूरी एक लीटर की, और ये पूरे दिन में ये एक बोतल पानी जिसमें एक चुटकी नमक जैतून पड़ा हुआ है ख़त्म कर लिया करें, और बाकी अपना ज़रूरत का पानी पी सकते हैं जो आमतौर पर पीते हैं, तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीना बच्ची को इलाज करना है अगर मुकम्मल फ़ायदा चाहिए तो। रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। भारत अकीन सर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जी सर, मैंने 2-3 दिन पहले आपसे प्रश्न पूछा था, एक महिला लड़की जिसका मेंस बंद हो गया था, है ना, तो आपने कहा था उसे कलौंजी का सिरका पीने के लिए और हल्दी 2 चुटकी कर, तो सर वो कलौंजी का सिरका तो नहीं मेरे पास अवेलेबल है, जैतून का सिरका, क्या कलौंजी के सिरके की जगह जैतून का सिरका काम कर सकता है? जी, और ये 2 चुटकी आपने कई एक महीने के लिए हल्दी बोला था, उसके पानी में पीना है। और सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोस्टेट मेरा बड़ा हुआ, ठीक है सर,
23 करीब करीब 23.8 है या क्या, ठीक है। तो आपने एक बार कहा था कि आप लाजवंती, लेकिन सर मेरा पेशाब का प्रॉब्लम नहीं है सर, पेशाब ना मैं रात में उठता हूँ ना दिन में 10 बार जाता हूँ, कुछ नहीं सर, लेकिन लास्ट में कहीं एक कतरा बच जाता है पेशाब करते वक्त, लास्ट में कतरा बचता है वो मेरे साथ समस्या कर रहा है, लगता मेरा वो समस्या वही है सर। ठीक है ठीक है, आप अपना फोन मत काटिएगा और हमारे मीडिया कर्मी को नंबर दे दीजिए अपना। आजकल एक मुहिम चल रही है जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना खुद भी फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया है उससे हमारे मीडिया कर्मी संपर्क करते हैं, तो अपना नंबर नोट करा दीजिए। आपने बहुत सेवा की है लोगों की, वो कर रहे हैं। और सवाल बताइए जी, कलौंजी की जगह जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो सकता है? अगर असली है तो आप कलौंजी की जगह जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की कैफियत होती है और जिस तरह से आप कैफियत बताते हैं उसकी तरह से इलाज बताते हैं। तो देखिए एक अच्छा नुस्खा है जो मैं बार बार बताता हूँ और वो तरह तरह से बताता हूँ। एक तो वो कि अलसी आधा चम्मच, हल्का सा भुनी हुई अलसी आधा चम्मच, और ये लाजवंती आधा चम्मच, और एक चुटकी ये गौंद चिलगोजा, ये एक खुराक रोज ले लिया करें। ये नुस्खा आप जैसे रोगियों के लिए है, बस एक खुराक पूरे दिन में, ठीक है। अगर किसी को पेशाब अवरुद्ध होता है, तकलीफ से आता है, मुश्किल से आता है, तो इसमें एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ लें और इसमें एक चुटकी कत्था, खाने का कत्था होता है ना जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, एक चुटकी वो भी डाल लें। तो वो तकलीफ जो बहुत मुश्किल से पेशाब आता है और जलन होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो ये उसके लिए, और पेशाब में कोई ज़ख़म हो उसके लिए, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो उसके लिए, और वो हो जाता है जलन, यानी सुजाक, एक मर्ज है सुजाक, तो पेशाब के नाली के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी है। देखिए एक नुस्खा बहुत बहुत यानी बीमारियों में काम करता है, यही नुस्खा अगर खूनी बवासीर में ले लिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन इस नुस्खे को बवासीर की सूरत में दूध से लेना ज़रूरी है। प्रियंका जी स्वागत है आपका। हेलो जी, जी हेलो जी, ये पूछना था कि मेरे नाभि से ऊपर घबराहट होती है और बेचैनी रहती है शरीर में, ताकत नहीं रहती। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी बहन की बेटी है वो अभी 9 वर्ष में है, तो जो किशोरावस्था में लड़कियों में परिवर्तन होता है वो उसको थोड़ा थोड़ा भी दिखने लगा है, तो ये चीज को रोकने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि वो हेल्दी है लड़की। कितनी उम्र बताई आपने? 9 वर्ष में अभी चली। 9 वर्ष में जी, अभी 9 वर्ष में हुई नहीं है। और तीसरा ये कि हमारी जो सासू माँ है उनके घुटनों में बहुत दर्द है और लगातार उन्हें बुखार रहता है, तो 101 और बीपी बहुत हाई रहता है, 180 के आसपास। ठीक है। अच्छा देखिए, सासू माँ के लिए जो दर्द है उनके घुटनों में, उसके लिए गौंद स्याह आधा आधा ग्राम 2 बार देना है, असली वाला, और तो 3-4 महीने भी दे सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर ज़रूरी है उनके लिए शुगर और बीपी को कंट्रोल करना। तो अपनी सारी दवाएं खाते हुए और कलौंजी का सिरका 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम,
पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर खिला दिया करें। उनके तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है, धीरे धीरे होंगे और अपनी दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। अच्छा, बच्ची का मेरे ख्याल से पहले भी आपने सवाल किया था, ये मुझे ऐसा याद है। देखिए, बच्ची ग्रोथ कर रही है और उसको जिस्म से पसीना निकलना चाहिए, कुछ ऐसा उसे गेम खिलाएं, भागाएं, दौड़ाएं, रस्सी कूदाएं, कुछ भी ऐसा बिजी करिए जो एक घंटा वो लगातार किसी मेहनत वाले गेम में लगे, और उसको रोकना ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसके जिस्म से पसीना निकलने लगे तो फिर ये अपना आप कंट्रोल होगा। मैं उसके लिए कोई दवाई नहीं देना चाहता जी। इनको खुद को बेचैनी और घबराहट रहती है। अच्छा, देखिए ये अलसी को हल्का सा भून लें, धनिए को भी हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, इसका पाउडर बना लें और एक चम्मच ये अलसी का पाउडर खाना है, और नमक जैतून एक चुटकी और एक चुटकी खाने का सोडा दो गिलास पानी मिलाकर दिन में एक बार या दो बार खाने से पहले खाने के बाद ये इस्तेमाल किया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है।